अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयशा फैमिलीज़ व्लॉग में। और आयशा कहाँ पे आ गई है, सन्नाटे पे। सन्नाटे ही सन्नाटे हो चुके हैं क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपनी अम्मी के घर पे। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजर की नमाज़ पढ़ी है मैंने। मैं भूत तो नहीं लग रही आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। देखें ना, मेरे पास टार्च भी है। हाँ जी, क्योंकि अभी दिन अच्छे से नहीं चला। पहले मैं आपको दिन दिखा दूँ, दिन नहीं मैं टाइम दिखा दूँ। टाइम यहाँ हो चुके हैं 4:50। हम रात को 2 बजे पहुँचे थे, और सॉरी 2 बजे नहीं, 12 बजे पहुँचे थे। हम पहुँचे थे यहाँ पे 12 बजे। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, वो भी अभी थान के पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। मेरा बच्चा भी सो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ है मेरी एक अदद सिस्टर, जिसकी मैं आपको ईद मुबारक पैगाम देना चाहती हूँ, सलाम लेना चाहती हूँ। क्योंकि ये कैमरे में तो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो अच्छा नहीं समझते कैमरे में आना। और अच्छी बात है, जो ना समझे हस्बैंड माने तो फिर आना चाहिए, नहीं माने तो फिर नहीं आना चाहिए। जी, आप अपना सलाम दें, मेरे व्यूवर्स को ईद मुबारक कहें। जी बोलें। उनको भी शर्म आ रही है, लेकिन अभी बोलती हैं। ज़रा रुके, मैं इनको ज़रा थोड़ा चालू कर दूँ। सुने मेरी बहन की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इनको ट्रेन किया मैंने, ईद का दूसरा दिन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक कहें फिर से। आज ईद का दूसरा दिन है, मेरी तरफ से आपको सबको ईद मुबारक। हाँ जी, शुक्रिया इनका। और आप सब लोगों ने भी इनकी ईद मुबारक एक्सेप्ट करनी है। और इनके हैं बड़े क्यूट से बेबी, मैं आपको एक दिखाती हूँ अपनी बहन। देखें जी, ये है मेरी बहन, जो कि बड़ी क्यूट सी है। आप समझें कि इसकी मामा भी इसके जितनी है। ये है मेरी सबसे छोटी वाली पड़ी, ये देखिए, ईद मुबारक कलो, ईद मुबारक। ये देखिए, इसने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं। ये मेरा बच्चा सो रहा है, ये इसके पापा सो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं दिखाऊँगी आपको। थोड़ा सा और दिन मज़ीद निकल पड़े, मैं आपको यहाँ का बाहर के चीज़ें दिखाऊंगी। अपनी अम्मी से भी कुछ बातें करने जाना है, उनसे भी मिलना है, उधर भी लेके जाऊंगी, लेकिन कब्रिस्तान तो नहीं लेके जाऊंगी, अंदर अलाउ नहीं होता कैमरा, फिर भी साथ लेके जाऊंगी मैं आप लोगों को। और यहाँ के व्लॉग बहुत मज़े के होने वाले हैं, आप लोगों ने मिस नहीं करने। फजर पढ़ के आपके साथ शेयर कर दिया मैं कहाँ पर हूँ, और आप लोगों ने मेरे मैं अपना स्ट्रोलर देख, और मेरी बहन पीछे खड़ी होकर मुझे देख रही है। अभी करते हैं, अभी आप मेरे साथ बने रहें, पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन दिखाऊंगी, एक एक बंदे से मिलवाऊंगी, अपने भाइयों से मिलवाऊंगी, मेरे साथ बने रहें। देखें जी, थोड़ा बहुत तो दिन निकल ही चुका है, और मैंने आपको कहा है कि मेरी बहन के जितनी है ये बच्ची, आपको हंसी तो नहीं आई? आनी भी नहीं चाहिए, है भी इतनी सी। तो जी, अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कुछ शैतानी करने। मेरे सामने लेटा हुआ है मेरे एक भाई, जो के मोहल्ले की शरीफ बच्ची की तरह इंतहाई एक शरीफ आदमी है आपकी नज़र में, अगर तो आप मुनासिब समझें तो, कोई अच्छा सा रिश्ता हो ऐसा ही। अभी थोड़ी देर में मैं इस शख्सियत से मिलवाऊंगी आपको, अगर आपको पसंद आए तो बता देना, नहीं तो मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगी। उससे हटके भी आपकी नज़र में कोई अगर रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा ये भाई बिल्कुल ऑफिशियल कवार है, ठीक है। हाँ जी। अभी मिलते हैं। अब मैं ये देखे पहले मिले इनसे। हेलो करना है, सही करना। हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक पूरा बोलना है ये इस वक्त ना ठूसने के इंतजार में। ये देखे सामने नाश्ता पड़ा हुआ है, तो हम आए अपने बड़े भाई के घर। और मेरी बहन लोगों को ऐसे ऐसे इशारे कर रही है कि पीछे हो जाओ, तो मेरी भाभी कैमरे में आएगी, मैंने उसको कहा है। लेकिन अभी थोड़ी सी फ्रेश हो जाए ना, टॉप की लगेगी आपको, तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पे बैठे हुए बच्चे। इब्राहिम की भी ईद मुबारक आपसे हो गई, इनकी भी हो गई, अब ये बच्चों से मिले आए थे वैसे ही, लेकिन इन्होंने हमारे लिए नाश्ता रेडी कर लिया, हमने तो बहुत मना किया है। ये है मेरे भाई की बड़ी बेटी, हेलो करो। ये है बेटा, और ये तो आपने देखी है मेरी बहन छोटी सी। और मैं अपने भाई की बेटी दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये भी पड़ी बहुत प्यारी है, ये देखें ये इब्राहिम इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। खाना है आपको अपने भाइयों से भी, इनसे पूछेंगे ये रन मुरीद हैं कि नहीं। ये होगा एक मजाक, अभी मिलते हैं नाश्ता कर लें।
जी व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं किसी गांव में। नवाज़ के अब्बू की कब्र पे जाना था, तो यहाँ मेरे साथ, मैं करने लगी थी वीडियो शुरू, यहाँ हमारे साथ हो चुका है एक सीन। सीन ये हुआ है कि वहाँ पड़ गया मुझे डॉगी। ये देखें उसने मेरे पाँव का क्या हाल किया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कीचड़ में मेरा पाँव चला गया है। और मेरे दिल की धड़कन इस वक्त, हार्ट बीट जो है ना, ऐसे चल रही है कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको गांव भी दिखा दूं जहां मेरी बड़ी सिस्टर रहती है वो वाला। और मैं नवाज के साथ आई हूं, उसके अब्बू की कब्र पे जाना था। अभी आपको दिखाती हूं, थोड़ा सांस ले लूँ, कुत्ते ने डरा दिया मुझे। वो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने अब्बू की कब्र पे, क्योंकि वहाँ काफ़ी पौधे भी हैं और ये बच्चा रो भी रहा है। इसको मैं लेके नहीं वहाँ पे जा रही, यहाँ पे दुआ करूँगी खड़ी होके। जाऊँगी जब वो वापस आ जाएंगे, फिर इसको पकड़ लेंगे, फिर मैं जाऊँगी। तो ये है पूरा गांव, ये देखें। आज बड़ी ठंडी भी हवा भी चल रही। व्यूअर्स, मैं खा रही थी यहाँ पे खाना, पकड़ा हो। ये देखें, ये मुझे कह रहा है पीछे हो, भूख लगी थी काफ़ी सारी, वीडियो नहीं मैंने बनाई जल्दी जल्दी, मैं नींद से उठी हूँ तो रोटी खा लिए, खाना खा लिया, खा दिया। सारा सामान पड़ा है, ये नवाज, ये मेरा दूसरा भाई, ये देखे छुप रहा है, इसको अभी थोड़ी देर के बाद पकड़ते। ये मेरी, हेलो करो, मैं बोलो हेलो, ये मेरी भतीजी है, ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। और अभी पकड़ते अपने भाइयों को, फिर आपसे मिलवाते हैं, इनको पटा डालना पड़ेगा पहले। ये देखें वर्स, मैं अपनी वीडियो का करने लगी हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी अपने भाइयों को भी मैंने लाना है वीडियो में, उनके साथ भी फ़नी फ़नी बातें करनी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में रन मुरीदी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रन मुरीदी का मतलब, हम अपने भाइयों से पूछेंगे वो कितने बीवियों के मुरीद है।